कितना बार यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है, पहली बार है, पहली बार। भाई पीछे एक लड़की बेहोश हो गई पूरा। तो गवर्नमेंट को फैसिलिटी करना चाहिए कि कम से कम आने आने का थोड़ा रास्ता सीधा बना था कि लोग आने में परेशानी ना। बोलो भाई, भाई बड़ा फैन है। थैंक यू। चिंग चिंग बिंग बिंग, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आई लव यू। सो वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज महाशिवरात्रि है, तो आज हम मैं और मेरा दोस्त देख सकते हैं, इसका नाम भी शिव है, शिव है। सो आज हम जा रहे हैं, मेरा पीछे देख सकते हैं बुल्ला के पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक शिव टेम्पल है, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं और कवर करने वाला है दोस्तों 2024 का महाशिवरात्रि। देख सकते हैं और काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टॉल मिल जाता है, देखिए दोस्तों कुछ दूरी के बाद वहीं पे आपको सीढ़ी मिल जाएगा। हेलो भाई, पहाड़ के बीच में थोड़ा कुछ दूरी सीढ़ी है, देख सकते हैं भाई। हम 20% बस ऊपर चढ़े हैं, अभी से हम थक गए, हमको और ऊपर चढ़ना है, देखते हैं। ये बहुत अच्छा काम किए, ठीक है, रस्सी बहुत हेल्पफुल होगा। कसम से हमारा स्टेमिना बहुत कम है। देखो भाई कैसा लग रहा है, क्या बोला तूने, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। भाई पीछे एक लड़की बेहोश हो गई पूरा, उसको पानी फान दे रहे हैं। पोटा नहीं मिल पा रहा यार, पोटा मुझे दूंगा। दोस्तों अभी 80% पहुँच गए हैं सीढ़ी। ऐसा कुछ भी आता है बुल्ला टाउन का पानी भी और 10% पहुँचना है बाकी, फाइनली पहुँच गया ऊपर में, देख सकते हैं। हेलो भाई ऐसा नहीं है, सबको सभी को पिलाओ भाई। हाँ भाई प्रदीप भाई कैसे हो। तो शिवरात्रि से 2-3 दिन पहले जो हम लोग गैलन सब इतना सारा गैलन सब जो लेके आते हैं, तो सुबह का 5:30 से हम लोग उठते हैं और इधर से लेके आना स्टार्ट करते हैं। तो इस बार तो 4 बज गया था इधर ऊपर तक लाते लाते। तो okay. सूरज भाई जो है वो हम लोग का लंच और ब्रेकफास्ट का जो सिस्टम है वो पूरा वो संभालते हैं, और हम लोग जितना भी दूर लेके आए रहते हैं 10 बजे हो 11 बजे हो तब तक वो भी उतना दूर तक सबका खाने का इंतजाम वो करके लाते हैं यहाँ पे। मतलब एक तरफ से समझोगे तो पूरा उस दिन का ब्रेकफास्ट खाना पीना जो है वो सूर्य भाई की तरफ से रहता है, उनको धन्यवाद भाई। सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, अपना भी कैसे लोग ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, सभी को पानी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, सभी का दुआ लेगा, सभी का आशीर्वाद रहेगा। चलिए अभी सूर्य भाई और निपुण भाई से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आज शिवरात्रि है, मैं सबको बोलूंगा ढेर सारे शुभकामनाएं। तो चलिए कुछ लोगों से रिव्यू लेते हैं। हेलो, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है थोड़ा बताइए। यहाँ तो हम पहली बार आए हैं, यहाँ बुर्ला में ही रहते हैं लेकिन अब पहली बार यहाँ पे आए हैं। बहुत चढ़ के आना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और आप बहुत अच्छा व्यू है, पहली बार आए हैं यहाँ, हम बुर्ला में रहते हैं। आप स्टूडेंट लोग हैं? स्टूडेंट लोकल नहीं है ना? नहीं लोकल नहीं, बाहर से आते हैं स्टूडेंट। कोई टेंशन नहीं, बोलिए। अच्छी है जगह, बहुत अच्छी है और आध्यात्मिक जगह है। कितना बार यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है, पहली बार है, पहली बार है। भाई लोग कैसा लग रहा है, बोलो भाई। भाई बड़ा फैन है। थैंक यू। बोलो कैसा लग रहा है, रिव्यू थोड़ा कुछ बोलो कैसा लग रहा है यहाँ पे। पहाड़ के ऊपर आने इतना, हाँ एकदम मैं बोल नहीं सकता, इतना खुशी रहा है। अलग उसको लग मतलब बिजली से दौड़ रहा है, फुल टू एनर्जी। तो कुछ बोलना चाहेगा, बोल 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 कुछ। तेरा नाम बोल, पढ़। हाँ तू बहन तू बोल। मैं क्या बोलूं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन चढ़ते वक्त बहुत डर लग रहा है। अभी और लोगों से बात करते हैं, उनको कैसा लग रहा है, आइए। तो अभी मिले हैं कुछ भाई लोग। हेलो भाई लोग, हेलो, कैसा लग रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है नीचे से, ये तो मेरा पहली बार है तो यहाँ मतलब कभी पता नहीं था, इन दोनों ने बुला मुझे मोटिवेट किया। अच्छा अच्छा, तो आके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान का आज बड़ा दिन है महाशिवरात्रि, तो इसमें आके और इतने सारे लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है। अच्छा, और आप भाई लोग आप कितना बार है यहाँ पे? हाँ ये तो हमारा दो बार हो गया इसको मिला के, तो ये हर साल एक ही बार होता है, मतलब आज की दिन होता है, तो अच्छा लग रहा है जब इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे भगवान को दर्शन करने के लिए, महादेव को, अच्छा लग रहा है। तो
संबलपुर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, बट बहुत दूर है, चढ़ चढ़ के आए हैं ऊपर और यहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है और ज्यादा धूप, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आके। आप तो बहुत सारे टेम्पल गए होंगे तो यहाँ पे खास करके क्या अच्छा क्या लगा, मतलब अच्छा लगा इतना ऊपर है, व्यू है और आज जागर है इसीलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, भगवान की कृपा से हम ठीक से पहुंच गए, भगवान के दर्शन के बहुत खुश हूं, थैंक यू। अच्छा है, पहाड़ेश्वर मंदिर सबको आना चाहिए, साल में एक बार तो आना ही चाहिए सबको, बहुत अच्छा लग रहा है आके। और हमारा ये आपको सभी को महाशिवरात्रि महोत्सव के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बुल्ला में तो बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन ये जो चांदली डूंगरी के ऊपर जो पहाड़ी बाबा मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है, 50-60 साल पुराना है और यहाँ पे मतलब लगभग 1000 से 1,00,000 भक्त आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी भक्त आते हैं दर्शन करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि आइए हमारे बुल्ला में जो चांदली डूंगरी के ऊपर पहाड़ी बाबा मंदिर है, इधर आइए, ठंडा पानी, जलजीरा पानी, भगवान का प्रसाद मिलता है और अपने जीवन को धन्य कर। कितना भीड़ है अभी और सभी ड्राम में पानी पर खत्म हो गया है, बहुत पानी पी रहे हैं क्योंकि नीचे से ऊपर आना बहुत मेहनत होता है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से रिव्यू लेते हैं, चलिए आइए। अब नीचे से ऊपर आए, इतना स्ट्रगल किया, नीचे से ऊपर आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये तो मेन बात है, और लिख के भी आना पड़ता है क्योंकि इधर खाई है, और चढ़ने के टाइम थोड़ा वो होता रहता है क्योंकि भगवान के पास आओगे और मेहनत से कुछ नहीं, हाँ वही भगवान के पास आओगे और स्ट्रगल ना करो ये तो कभी होता ही नहीं है, तो आने में भी चढ़ने में भी एक तो मजा है, सबको आते इधर घूमने। अच्छा, तो आप लोकल हैं या स्टडी? नहीं, इधर का लोकल ही हूं। कितना बार यहां पे आए? मैं लास्ट टाइम 2 ईयर्स हो गया था और ये टाइम का मैं वेट कर रही थी कब आएगा और मैं आऊंगी बोल के, यहाँ पे आके मेरे को एक अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब कि यहाँ का व्यू और आने का भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। भैया का चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू, आपसे मिले बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं ये भाई लोग सभी लोग ऑर्गेनाइज किए थे, ये जितना भी बंदोबस्त किए थे खाना पीना सब चीज का, और इन भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नीचे से ऊपर आए और जो उनका प्यास मिटाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका सभी का आशीर्वाद रहेगा, सभी का प्यार रहेगा। तो भाई लोग को मेरे तरफ से दिल से आई लव यू। ये अभी लास्ट टाइम है, अभी पूरा खाली हो चुका है, देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। सो अभी हमारे साथ और एक मैम है, चलिए उनके साथ बात करते हैं। हेलो मैम, आपका गुड नेम क्या है? प्रीति चौधरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब आप कितना कष्ट करके यहाँ पे आई? यहाँ मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ बुरला में, पहली बार आई हूँ। 20 साल से रह रही हूँ बुरला में जी, पर पहली बार आई हूँ यहाँ। ऊपर आके बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन रास्ता बहुत कष्ट है। जी जी, क्या होना चाहिए मतलब? यहाँ जैसे लोग आते हैं हर साल, यहाँ पूजा होता है, लोग आते हैं तो गवर्नमेंट को फैसिलिटी करना चाहिए कि कम से कम आने आने का रास्ता सीधा पर रहता है, लोग आने में परेशानी नहीं हो। जी जी जी, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए? फर्स्ट टाइम आए। आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं? यहाँ ऊपर आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा सब कुछ बहुत अच्छा है, बट यहाँ चढ़ने का रास्ता ही बहुत डिफिकल्ट, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी सब बहुत अच्छा है, बस आने का थोड़ा सुबह की हम पानी फैसिलिटी सब चीज है लेकिन आने का थोड़ा रास्ता प्रॉब्लम है, दो साइड से लोग आ जा रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा चौड़ा रास्ता होना चाहिए या फिर मतलब लोग को परेशानी ना हो इस तरह से गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए। अच्छा, पे व्यू बहुत अच्छा है, आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम। बेटी? हाँ, मेरे बेटी। ठीक है, मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जाएंगे नीचे से, जितना भी गैलन वैलन देख सकते हैं ये सब नीचे रखेंगे, इसको हम लेके जाएंगे। और आज का दिन बहुत स्पेशल रहा, ये हर साल में एक बार इस जगह में आने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगा जरूर। तो चलिए नीचे ये सब जितना भी सामान इसको नीचे रखते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। देखो भाई, सभी लोग सामान उतार रहे हैं, देख सकते हैं बहुत मेहनत करके। देखो वो नेपाल से है मेरा दोस्त, हाँ ही इज फ्रॉम चाइना, सो चाइनीज में सुना बोलो ना क्या सो वो एक्चुअली बोल रहा है कि चिंग चिंग बिंग बिंग, मतलब इसका मतलब ये होता है कि क्या होता पता नहीं, लेकिन वो बोल रहा है बेचारा। और